जितना आप दिल्ली में रह के अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मैं मानता हूँ कि कश्मीरी होने के नाते मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है भाई, हमें तो कबूल है। कबूल है, वाह 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 वाह, गुड 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 गुड, कबूल है, कबूल है। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये सबसे बड़ी बात है, आज हमारी सोच का निकाह हो। वाह, कैमरा साहब धोखा मत देना, लास्ट टाइम बड़ा कर्रा धोखा दिया था आपने। सर मेरा नाम शरत है। अच्छा, एक आम हिंदुस्तानी की तरह मेरे दिल में भी कश्मीर को लेकर बड़ी उत्सुकता है इस वक्त। अच्छा, सरकार उसे जो करना है वो कर रही है, अब सवाल ये है कि मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा एक काम करते हैं, वो लोग जो कश्मीर को लेके पॉजिटिवली सोचते हैं, इंडिया को लेके पॉजिटिवली सोचते हैं, उन लोगों से बातचीत क्यों ना शुरू की जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं मीर साहब, कश्मीरी हैं, अभी दिल्ली आए हुए हैं। मैंने सोचा उनके साथ ड्राइव पर चलते हैं, बातचीत करेंगे और कुछ फील आएगी, कश्मीर की फील समझेंगे। इनफैक्ट आई गए लगता है। अरे मीर साहब, कैसे हैं जनाब? जी शरद भाई, कैसे हैं? बिल्कुल मजे में भाई, बहुत टाइम के बाद। बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपसे। मुझे भी भाई। और आपने तो नासिर भाई से मुलाकात करवाई। नासिर भाई हमारे बचपन के दोस्त है, हमने सोचा दिल्ली चक्कर लगाएंगे और आपसे मिलेंगे, तो बहुत टाइम बात नहीं हुई। तो मैं कहा नहीं, आज मौका है, सुबह सुबह आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। कैसा चल रहा है? बहुत बहुत मजेदार। देखो ठंड जब आने लगती है ना, आहा, तो दिल्ली की फील ही बदल जाती है। तो आप धीरे धीरे ठंड ने दहलीज पे कदम रख दिया। हाँ, आज तो एसी भी एक पे चल रहा है। आज आज आपको थोड़ी थोड़ी दिल्ली में हल्की हल्की सी कश्मीर वाली फील आ रही होगी। हल्की हल्की सी, हल्की सी फील तो है, हल्की सी फील तो है। अच्छा वैसे ये बताओ जी, कि अभी कश्मीर का क्या माहौल है, अभी क्या फील है वहां पे? फील की बात करें तो भाई दिल्ली से अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, ताजी हवा, ताजी हवा, खुली फिजाएं। वाह वाह, दिल्ली से तो अच्छा है, मानना पड़ेगा भाई। ये तो मैं मानता हूँ भाई, मानना पड़ेगा, मानना इस पड़ेगा। इसमें कोई दोराय नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन आपसे डिटेल में बात होनी भाई, ये जो 370 का एब्रोगेशन जब से हुआ है, जब से हटी है, तो जो आम कश्मीरी है वो इससे खुश है, इस चीज से, इस चेंज से? देखो शरद भाई, जब भी एक दो दिन से मैं यहाँ लोगों से मिला, अपने खास जो मेरे लोग हैं, अपने भाई हैं, हर कोई मुझसे पहले यही सवाल पूछता है 370 को, 35A को लेके। भाई मैं मानता हूँ हमारे रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में एक कंसेप्ट है निकाह का। जी आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल भाई। और निकाह हम मानते हैं कि ये मर्द और औरत के बीच में होता है। मेरा मानना है कि निकाह जो है ये सोच का होता है। 370 और 35A हटने के बाद मुझे लगता है ये जो देश की बाकी राज्य है, इनको 370 35A हटने के बाद कश्मीर से सोच का निकाह हो गया। भाई सही है, सोच से सोच का निकाह, सोच से सोच मिल गए, दिल से दिल मिलेंगे। और सियासतदानों की तरह 370 35A को लेके सियासत नहीं करेंगे। भाई दिल की बात आपने कही, क्या बात है भाई, हमें तो कबूल है, कबूल है, वाह 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 वाह, गुड 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 गुड, कबूल है, कबूल है। हां भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये सबसे बड़ी बात है, आज हमारी सोच का निकाह हो। वाह क्या बात है भाई, बढ़िया है भाई। ये बहुत, आपने जो बात कही ना ये बिल्कुल सही है कि ये पिछला देखने का कोई फायदा नहीं, आगे की ओर देखते हैं।
लेकिन लेकिन अभी जो 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 जब आप ये देखते हो 370 हटने के बाद, जब आप फ्यूचर की ओर देख रहे हो ऐसे कश्मीरी, तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए, कश्मीरी हमेशा जो है कि प्रोग्रेसिव सोच का रहा है। कश्मीरी की जो सोच है वो हमेशा आगे का सोचता है। आज तक आपने कश्मीर की हिस्ट्री देखिए, पीछे मुड़कर कश्मीरी ने कभी नहीं देखा। हाँ देखिए, हाथ में पांच उंगलियां हैं शरद भाई, एक जैसी नहीं है। सही बात है। अब कश्मीर में देखो कि कितना कश्मीरी हॉस्पिटेबल है। जब भी कोई आता है प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलता है। कश्मीरियत से हम मशहूर है। कश्मीरियत का एक कंसेप्ट जो है उससे कश्मीरी पूरे दुनिया में, पूरे देश में जाना जाता है। बट इस कश्मीरियत का जो एक ओवर शेडो करने वाली चीज़ है, कुछ शार्प पसंद अनासर है कि किसी ने पत्थर मार लिया, किसी ने बंदूक हाथ में उठा ली, तो उसकी वजह से पूरी जो कश्मीरी कौम है बदनाम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चले मेरे साथ, दो दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, चले आप आ जाइए। जाना भाई। आप भाई, लेकिन देखो भाई, 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 आप मेरे भाई हैं। जी जी जी, आप चले जी। और भी कुछ चार पांच लोगों को साथ लेके आए, टूरिस्ट एज टूरिस्ट, क्योंकि अभी टूरिज्म पे एडवाइजरी हट गई। जिनको भी आप लेके आएंगे, आप देख लीजिएगा कि ये कश्मीरी आपको वहाँ कैसे ट्रीट करेगा। आपको कोई पत्थरबाजी नहीं दिखेगी, आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं दिखेगा। We are very hospitable people, भाई, and you know, नहीं, आपको तो देखो भाई, ऐसा है, आपसे तो दोस्ती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल और बहुत प्रेमी इंसान हो आप। सही। लेकिन होता पता क्या भाई जी, जब आप ना टीवी पे देखते हो कि तिरंगा जल रहा है, आप देखते हो पथराव हो रहा है, तो मन में ये आता है कि यार ये कुछ अलग किस्म के लोग हैं, लगता है ये हमसे जुड़ पाएंगे नहीं, ऐसे डर लगता है, ऐसा ऐसे ख्याल आते हैं कि कश्मीरी शायद अपने आप को हमारा हिस्सा नहीं मानते। तो ये इस पे आप क्या कहोगे भाई? ये जो ये भाई, एक मैं बताऊँ, ये एक आम हिंदुस्तानी की बात बता रहा हूँ। देखो देखो भाई, मैं एक चीज आपको कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है। जितना आप दिल्ली में रह के अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मैं मानता हूँ कि कश्मीरी होने के नाते मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है। और हर कश्मीरी प्यार करता है। हर कश्मीरी करता है। करता है भाई। देखो, अब कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों ने झंडा जला दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, जितने भी वहाँ लोग हैं, वो बुरे हैं। बुरे लोग नहीं हैं, ये कुछ लोगों की वजह से, मैं बार बार वही कहूँगा, कुछ लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। और आप देखिए, देश का झंडा जलाना कानूनन अपराध है, और हमारे 370 और 35A में एक जगह बिल्कुल वाज़ह करके था, Disrespecting national flag is not a crime. उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था। क्राइम नहीं था। abrogation से पहले। पहले की बात। अब abrogation के बाद disrespecting national flag is a heinous crime. अब देखें कि कितने लोग झंडे जलाएंगे, कितने लोग जो है कि झंडे की बेहुर्मती करेंगे। तो ये अब जो abrogation के बाद आपको अमन, सुकून, खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कश्मीर? बिल्कुल भाई। देखें, यहाँ पे आपको जिंदगी जीने के लिए है शरद भाई। 5 मिनट के लिए आप दिन में जितने भी काम करेंगे, कितना भी स्ट्रेस होगा आपको, शाम को दिल्ली में आपको 50 चीज़ें करने के लिए, फैमिली को कहीं भी घुमा सकते हैं। सही बात है। मगर उधर का हाल देखिए, 4 बजे के बाद हमारी जिंदगी ठप है। अच्छा, क्या है करने के लिए बताओ? कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है हमारी वहाँ बेरोजगारी, हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और शरद साहब, थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना चाहिए।
अगर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, अगर गुड़गांव इतना डेवलप नहीं होता, नोएडा इतना डेवलप नहीं होता, इतने बिजनेस ऑफिसेज वहाँ नहीं होते, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती? नहीं आता. एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गोज हैंड इन ग्लो. जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी एम्प्लॉयमेंट है. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा? जब कोई इन्वेस्ट वहाँ पे करेगा. आज तक अगर कश्मीर में कोई इन्वेस्ट, बोलते हैं कि नहीं जी कश्मीर में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 370 हटाने के बावजूद, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आई कॉल देम हिपोक्रेट्स. मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आज तक भैया फिर क्यों नहीं करके दिखाई? सही बात है, आज तक क्यों नहीं करके दिखाई? मौके तो बहुत मिले. हाँ, अब ऐसे ही अगर पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेस टाइकून्स ये बहाना लेते थे कि हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर 370 35 से है वहां पे, अब उनको भी एक्सक्यूज नहीं रहा. सही बात, अब हट गया, अब उनको आना चाहिए सामने. और भाई अच्छा, बाय द वे बहुत लोग आना भी चाहते हैं. मोस्ट वेलकम हुजूर, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे. हम तहे दिल से जो है कि उनको वेलकम करेंगे कि आप आइए. कश्मीरी जमीन जो है ना शरद भाई, इतनी जरखेज है, कोई भी बीज बो ना उगेगा. वाह क्या बात है, मान के चले ये बात. क्या बात है. अच्छा भाई ये बताओ कि जो कश्मीरी यूथ है, हाँ, वो बॉलीवुड पसंद करता है? कश्मीर का जो इकोनॉमी डिपेंड करती है ना शरद भाई, हमारे टूरिज्म पे डिपेंड करती है. और टूरिज्म को बूस्ट देने वाले, आप देखो 80s में, 70s में, 90s से पहले पहले की बात करेंगे, कितनी बॉलीवुड मूवीज का शूट होता था. बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज का शूट होता था. फिर बीच में जो ये हालात खराब हो गए, रुक गए. बट अगर इस टाइम बॉलीवुड कश्मीर आएगा, एक्सोटिक लोकेशन, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आए सलमान खान, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, और इन सब की फॉलोइंग तगड़ी होगी है कश्मीर में. आमिर खान, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, क्या बात है, सारे आए. और मतलब जनाब अलग ही माहौल होगा. और देखें कि कश्मीरी बच्चे जो है कि कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं और कितना बढ़ चढ़ के उनके काम से काम में हिस्सा लेंगे. वाह क्या बात है भाई. आज आप जितनी पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म से बात कर रहे हो, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि आप एक इंडियन की तरह बात कर रहे हो, आप एक कश्मीरी की तरह बात कर रहे हो, और आप आगे की प्लानिंग सोच रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हो. बाकी मेरा खून बहुत बड़ा भाई आपसे बात करके. नहीं नहीं, नहीं नहीं भाई, मैं एक चीज आपको कहूंगा. मैंने पहले ही कहा, शर पसंद अनासर. जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं ना, लाइक आपने कहा आज आप एक इंडियन की तरह बात करते हैं, हमारे लिए मुल्क पहले है और हमारी राज्य बाद में. और जैसे हम अपना कहते हैं कि यस वी आर इंडियंस, ये सुन के उधर कुछ लोगों को गोली लगती है. भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. अपने मुल्क के साथ हमें प्यार होना चाहिए और अपने मुल्क को जो है हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए. महाराष्ट्र की बात करें, जय भारत जय महाराष्ट्र. क्या वो जय भारत है? जय भारत है, फिर जय महाराष्ट्र, उसके बाद जय महाराष्ट्र है. उनको कोई जेल नहीं भरता है, उनको कोई पीएसए नहीं लगा रहा है, उनको कोई मतलब कुछ गलत नहीं हो रहा है. तो मेरा भी मानना है, जय भारत जय कश्मीर. वाह क्या क्या बुरी बात है इसमें. क्या भाई क्या क्या, क्या क्या बुरी बात है इसमें. बिल्कुल गजब है भाई, बड़ा मजा आया आज आपसे करके. एक काम करते हैं,
आपको ना एक बहुत बेहतरीन जगह लंच कराते हैं, आंध्रा भवन में कभी खाया आपने? आंध्रा भवन में कभी नहीं खाया है आपने? जम्मू कश्मीर हमारा वहाँ पे खाया, जम्मू कश्मीर भवन चनकिया पूरी में, वो नहीं खाया। तो आज आंध्रा और कल जम्मू कश्मीर, पक्का डन वादा है भाई, मोड़ते हैं गाड़ी, चले चले चले, बढ़िया बेहतरीन।